चेर बग्गा तुसीं देख रहे हो आरटीवी वन ते अज सब नूं पता है कि रिजल्ट आया प्लस टू का आया तो उसके बाद दसवीं का रिजल्ट आया। वैसे तो सारे पंजाब दे विच ज़्यादातर मल्लां जिहड़ियां लड़कियां ने मारियां लेकिन अज असीं गल करन जा रहे हैं रोपड़ के डीएवी स्कूल के एक स्टूडेंट की जिन्हां ने 95% नंबर जिहड़े हासिल किए हैं। तो मैं मेरे नाल बैठे ने अमनदीप सिंह जी। अमनदीप सिंह जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। होर सुनाओ ठीक ठाक है? हाँ जी ठीक ही। तो अज तुसीं किहड़े स्कूल के स्टूडेंट है? डीएवी पब्लिक स्कूल रोपड़ जी। अच्छा तुसीं डीएवी पब्लिक स्कूल के पढ़ाई करते हो, किवें दे पढ़ाई है उत्थे बच्चे टीचर्स वगैरह होर किदां दा व्यवहार है? सारे टीचर्स वधिया ने जी, स्पैशली इकबाल सर का नेचर बहुत वधिया है। सारे टीचर अपने एफर्ट देंदे ने भी वध तों वध बच्चे पढ़न। सारे ठीक ने जी। तुसीं प्लस वन तो लेके उत्थे पढ़ रहे हो? प्लस वन तो प्लस टू उत्थे कीती जी मैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही वधिया रहा, बहुत ही। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी द टीचर्स विल सॉल्व इट। तो दूसरी गल एक होर है भी तुसीं अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, 95% नंबर प्राप्त किए, कि सहयोग है ज़्यादा घरद्या का या टीचर का? फॉर मी माई पेरेंट्स आर मोर दैन द टीचर्स एंड इफ यू टॉक अबाउट द टीचर्स दैन आई विल प्रेफर इकबाल सर बिकॉज ही हैज़ इनकरेज्ड माई करेज। देयर वॉज सम टाइम इन अ सर्टन प्लेस वैन आई गॉट डिप्रेस्ड रिगार्डिंग द स्टडीज एंड ही वॉज द ओनली पर्सन एंड माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर हु हैज़ इनकरेज्ड माई करेज फॉर स्टडीज। सो दैट्स वाई आई हैव कॉन्कर्ड 95% इन प्लस टू आर्ट्स स्ट्रीम। ठीक है। तो दूजी गल एक होर है भी तुम दसिया भी तुम बिल्कुल थोड़ी जी सपोर्ट है, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा थोड़ा सपोर्ट है, टीचर की भी सपोर्ट हैगी है। तो काफ़ी तुम देखिए पंजाब भर के लड़कियां ने वध मल्ला मारिया तो लड़के थोड़े जा पिछे रह रहे, की लगता भी लड़कियों के कोई कमी है? आई थिंक द बॉयज़ आर ऑलसो गिविंग देयर efforts in the studies, although the girls are giving more than the boys, but boys are also trying hard to give better result in Punjab board. ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? I want to be a PhD in English, so I want to be a professor in English, so that's why I am striving very hard in my life. थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। तुम बिल्कुल थोड़ी जी हॉबीज़ है वो बारे भी दसिया, तो असं इन दे माता जी भी गलबात करा तो भी किस तरह घर के। हाँ जी सत श्रीकाल जी। थोड़ा बेटा 95% नंबर लेके आया, की कहोगे? पहले मैं बहुत ज़्यादा खुशी है जी कि मेरा बच्चा अपनी मेहनत के नाल इन्ने वधिया नंबर लेके गया भी मैं हद से वध खुश हाँ जी। मेरी खुशी का कोई टिकाणा नहीं है जी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिहड़े तुसीं साडे घर दे विच आण के मेरे बच्चे की इंटरव्यू लिती है, ये इंटरव्यू दे नाल मेरे बच्चे का काफ़ी ज़्यादा हौसला बुलंद होगा, अगे भी होर भी तरक्कियां वध करेगा जेकर इसनूं इस तरह सहयोग तुहाडा और स्टाफ का मिलता रहे। थैंक यू जी। तो दूजी गल एक मैं ये भी कहाँगा भी बिल असीं अपने चैनल वालों भी एक उपराला साडा हैगा कि जिहड़े लड़के है उन्होंने भी वध तो वध पढ़ना चाहिए, तो जिहड़ा भी लड़का 90 या 95 तो वध नंबर प्राप्त करता है असीं उन्होंने घर तक पहुँच जरूर करते हैं। ये साडा एक अपना ही रखिया होया सी भी क्योंकि एप्रीशिएट करन दे नाल बहुत सारे बच्चों को सपोर्ट मिलती है, वो अगे जाने की कोशिश करते हैं जिन्ना भी वध हो सके। होर किवें दा माहौल है थोड़े घर दे विच, बच्चे 95% नंबर ले? बहुत वधिया माहौल है जी। बच्चे मेरे को दो ही ने, तीसरी मैं घर दे विच, और बच्चे जूँ ही मेरा बच्चा पढ़ता ये ना ही कोई ट्यूशन असं रखते हैं, जूँ ही बच्चा पढ़ता रात के पे 12 बजन 1 बजन 2 बजे इवन कि 3 भी बजन एक पासे दी सिस्टर बैठी होंगी है दूजे पासे मैं बैठी होंगी हूँ, जब तक ये नहीं सौंदे उद तक मैं नहीं सौना। अगर मैनू कहते होंगे कि मम्मा तू सौ जा, मैं कभी जे मैं सौगी तो तुहानू भी नींद आ जानी है, तो फिर कौन पढ़ूगा पिछे को? बाकी लड़कियां नूं जां बाकी बच्चियां नूं की सिखा देना चाहुंदे हो? मैं हर बच्चे नूं यही करांगी, रब अगे यही दुआ करदी हां कि जिस तरह मेरे बच्चों ने मेरा मान उच्चा रखिया, पढ़ाई विच 95% नंबर लेके आए, इसी तरह हर माँ का बच्चा इसी तरह ही नंबर लेके आए, तो हर माँ के दिल में इसी तरह सुकून दे। मैं दसो अखीर दे विच मैं जरूर कहना चाहांगा कि पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, पढ़ाई तो बगैर दुनिया कुछ भी है नहीं। तो मैं चाहुंदा कि लड़के नूं भी वध तो वध पढ़ाई करनी चाहिए है, तो माड़े कामों तो बचना चाहिए, तो साढ़े जिहड़े मापिआं दा जिहड़ा सपना हुंदा उहनूं साकार तां ही हो सकदा जेकर तुसीं अपने पढ़ाई वल ध्यान देण ते माड़िआं कामां दे विच ना पैण, क्योंकि अजकल नशियां तों दूर रहो
तो बहुत सारी जिहड़े लड़के हैं वो एक नशे के नाल लग जाते हैं तो अपनी जिंदगी खराब कर लेंगे हैं, जिमें अजकल हथियारों के नाल हथियार के गाने सुनने शुरू कर देने हैं, फिर तुम गैंगस्टर बन जाते हैं, लड़ाई झगड़े करने शुरू कर देते हैं, ये थोड़ी लाइफ जी है लंबी नहीं चल सकती। इस करके बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहो तो अपने आप को पढ़ाई के वल ध्यान दो। धन्यवाद जी।